जमींदारियों में भी कुछ फायदा होना चाहिए हमने। अच्छा, जो धरती करते हैं ठीक है, भाग लगवाने चाहिए। सबसे बड़ा तो ये है कि इतना जुर्म, जैसे कि इतना का ट्रैक्टर नहीं होता है, इतने की मोटरसाइकिल नहीं होती है, जिसका चालान काटते हैं लोग, ट्रैफिक चालान को, ट्रैफिक चालान इतना बुरी हालत कर रखी लोगों। सरकार ने कभी माफ कर दिया कभी? हाँ भाई, सरकार का हाथ जोड़ा सीधी बात ही है, ठीक है, मारे लेकर ही सरकार साली काल मृत्यु से आज मर जाओ। परसों भी दो जवान हमारे शहीद हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी तो हमेशा लड़ाई ये है, पाँच चार रोज मार दो, सामने का अटैक कभी नहीं करते हैं। अभी हमारे बालक भी एस एफ सी आर पी में छुट्टी आ रहे हैं, रोज पाँच चार अटैक रोज होते हैं, पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर कोई इंजाम नहीं है, ठीक है। अभी तो जो माहौल आप बता रहे हैं वही माहौल है, ऐसा तो नहीं है कि माहौल ये बोलने वाला अलग है और जो है वो अलग है? नहीं नहीं, यही है जो बता रखा है वही माहौल भाई, ये सच्चाई बयान कर रखी है, इसमें एक लफ्ज भी फर्क वाली बात नहीं है, झूठ वाली बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, 21 तारीख है आज मतदान हो रहा है, 24 तारीख को नतीजे आएंगे। और इस वक्त हम झज्जर जिले के बादली हलके की सिलानी गांव में हैं और यहां पर लोगों से बात करेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। आपने वोट डाला, उंगली दिखाइए। हाँ, डाल दिया। अच्छा, तो बताइए क्या मुद्दे हैं यहां के, किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट कर रहे हैं? यहां सबसे ज्यादा तो युवाओं को बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का मुद्दा इतना ज्यादा है, पांच साल में बहुत ज्यादा बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, जो कंपनियों में लग रहे थे वह भी घर बैठा दिए, और जैसे किसान का है और जो है बेरोजगारी का तो है, आप भी युवा हो मतलब पता है बेरोजगारी कितनी बुरी बीमारी है। वोटिंग कर रहे हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा इस एरिया में। अच्छा, जैसे पहले भूपेंद्र हुड्डा थे सीएम तो उस टाइम बेरोजगारी इतनी नहीं थी क्योंकि युवाओं को रोजगार मिल रहे थे, कंपनियां थी, अब वो कंपनियां भी हटा दी। मेरा सतबीर सिंह, क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट कर रहे हैं? उंगली दिखाइए। विकास को, ये है। हाँ, विकास को। हाँ, विकास नहीं हो रहा है, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। अच्छा। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? श्री भगवान। श्री भगवान है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप देख रहे हैं कि इस बार वोटिंग हो रही है, लोग किन मुद्दों को लेकर? ये बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है लोगों के सामने, हर बच्चा की वो एज निकल चुकी है, फार्म भरवा लेते हैं, डिक्लेयर करते नहीं हैं, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं बेरोजगारी लोग बच्चों के लिए। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह जी। क्या करते हैं विजेंद्र जी? खेतीबाड़ी जी। खेतीबाड़ी करते हैं। हाँ जी। बताइए आप, बताइए आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपके बादली हल्के के जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं? यार भ्रष्टाचार हो रहा है जी, नौकरी नाकरी ना देते जी, तो काम नहीं हुआ जी, इस कारण मतलब धनखड़ी जी आ रहे जी, कांग्रेस की जीत है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। क्या करते हैं बलविंदर जी? हाँ जी, क्या करते हैं? सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम करते हैं, तो बताइए एक आम आदमी है उसके जहन में क्या है, वो आप जब वोटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो ये सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है, नौकरियां का है, एसडीओ की लगी, उसमें 78 बाल बाहर के, हरियाणा के दो बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ताई वोट डाल दिया आपने? ना भाई, डालूंगी। अभी डालने जा रहे हैं? हाँ। तो क्या वोट डालते टाइम जब बटन दबाएंगे तो क्या सोच के बटन दबाएंगे, क्या मुद्दा है, क्या मन में दबाएंगे? मरवाल का नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ। आपके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। और क्या है ऐसा, क्या लग रहा है कि क्या जो सोच के जा रहे हैं कि इस बार जो है इस बात पे हम फला को जो है बटन दबाएंगे? जिम्मेदारियों में भी कुछ फायदा होना चाहिए हमने। अच्छा, जो धरती करते हैं ठीक है, भाग लगवाने चाहिए। ठीक है। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? सोमवीर राम भाई। तो आप क्या देख रहे हैं बादली हलके में, क्या मुद्दा है जिसको लोग वोट भाई? बादली हलके में जमींदार किसान तो घना दुखी है, वो कागजा के ऊपर सरसम ले, 6 क्विंटल सरसम खरीद दे, बाकी सरसम ने किसान कड़े ले जा, ये सरकार ने सारा बांध दिया। हाँ। कागजा के ऊपर। आप बताइए बाबा, आप क्या देख रहे हैं, लोगों के क्या मन में है, क्या मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? मेरा नाम जयनारायण है। हाँ। और सबसे बड़ा तो ये है कि इतना जुर्म, जैसे कि इतने का ट्रैक्टर नहीं होता है, इतने की मोटरसाइकिल नहीं होती है, जिसका चालान काटते हैं लोग, ट्रैफिक चालान को, ट्रैफिक चालान, इतना बुरी हालत कर रखी लोगों की, और साथ साथ में कोई फैमिली बैठी है उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं होता उसके साथ, जिससे कि अगर कोई बच्चा बीमार है, माँ भी बैठी है उसके पीछे, फिर बोलते 3 सवारी क्यों बैठी है, हेलमेट नहीं है, अब वो लेडीज कहाँ हेलमेट लगाई, कहाँ वो छोटा बच्चा, ये एक मुद्दा है आपको लग रहा है? ये खास मुद्दा है। आप बताइए जी, क्या करते हैं आप, क्या नाम है भाई? मेरा नाम योगी सर। क्या करते हैं? अपने धक्के खाओ भाई, सीधी बात ही है सर। अच्छा। हाँ, ये सरकार ने कभी माफ कर दिया कभी? हाँ।
इब जमींदार से मैं रह रहे हैं भाई, किला में क्या सरसम कितनी गोज है, कह दे पांच बोरी लेगा बाकी का तेरह पिंडे का मछड़ा जाए सरसम ने क्या करा उसका में मानना से गेहूँ को पीस के खा लिया नाम तो मानना सरसमा के ग्राई बताओ तुम एक बार अगल तो बात सही है फिर भाई सरकार का हाथ जोड़ा सी दिवाती है ठीक है मारे लेकर ही सरकार साड़ी काल मृत्यु से आज मर जाओ बस। आप बताइए बाबा क्या आपकी काफी उम्र है, बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव कैसे अलग है, क्या अलग है इस बार के चुनाव? इसमें अलग से जमींदार जो है बहुत तंग आ गया, खेती बाड़ी करता है साल भरते है अपने रात दिन करता है कमाई, वो मंडी में ले जाता है तो वो ना तो बेखता सारा ना और कुछ कड़ ले जाए जमींदार खरा माटी रखता है। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार लोगों के? ऐसा जी मुद्दा जो पिछली सरकार कर गई वो काम होया है, अब नया काम होया है वो कुछ नहीं दिखा है, खुदा पाट निकला चुहा धनखड़ मरिया हुआ, और अब जो हमारी गांव थी वो बीच बात पाड़ दी, लोग टल लगा दी, ठोकर लग गई है, शीशी की रोड खराब कर दी है और लोग पाइप मैन दबा दिए हैं, और बाहर साइड में थे उनमें जुआंड कर दिए हैं, पहले के पाइप में टूट में सारी लाइन लीक करती है। गांव में सिर्फ स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लग रहे लोग वोट कर रहे हैं, कोई पाइप नहीं नहीं वैसे 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 ऑल पब्लिक का दखम, कोई विकास नहीं होया, कोई नहर नहीं निकली, कोई पुल नहीं बनाया, कोई हैवी पावर हाउस नहीं लगा। क्या गाँव के जो लोगों में सिर्फ यही मुद्दे हैं और बाकी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे या कोई पार्टी की उनकी कोई बातें नहीं है, सिर्फ ये राष्ट्रीय सत्तर की देख लो। ये परसों भी दो जवान हमारे शहीद हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं वो, उनकी तो हमेशा लड़ाई ये है पांच चार रोज मार दो सामने का अटैक कभी नहीं करते हैं। अभी हमारे बालक भी एस एफ सी आर पी में छुट्टी आ रहे हैं, रोज पांच चार अटैक रोज होते हैं, पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर कोई इंजाम नहीं है, ठीक है अभी कोई धारा 370 लगा दी है हटा दी है हैं हम ठीक है, बाकी उस पर कंट्रोल तो कराया जाए। इतने ये नेता हैं, लाखों बॉडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी पीएसजी रखते हैं लाखों, अगर लाखों आदमियों को ये बॉर्डर पर खड़ा करके पाँच मिनट दे दें तो 1 करोड़ गोली लकड़े भून दें, क्या ये उग्रवादी हैं? देश के नेता अपनी खुद की सिक्योरिटी रखते हैं, 10-10 आदमी कोठी पर बंगले में रखते हैं, लेटरिंग होते हैं जब चेक करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं जब चेकते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है जब स्कूल में गाड़ी जाती है, हमें यहाँ चौकीदार देते हैं यहाँ रात को टिकरी पर लगाते हैं, गांव में रात में दो पुलिस नहीं भेज सकते, उनकी कोठी 20-20 आदमी रहते हैं, दो पुलिस हरे गांव में छोड़ना चाहिए। ठीक है, है? हाँ। आप ये बताइए कि जो बातें आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि माहौल यही है या माहौल कुछ दिखने वाला अलग है और असलियत में कुछ अलग है? माहौल यही है और एक राना डांगरी तनांड है सरकार और मंत्री आवारा पशु, आवारा पशु सरकार मंत्री के साथ में कई बार शिकायत कर ली और वो कह गया है बोले रखवा देंगे पूरा जंगल मारा खेती सारी नष्ट कर दी, कोई भी फसल नहीं होने दी थी टाइम पर, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही इनके खिलाफ डांगरा के खिलाफ। तो जो माहौल आप बता रहे हैं वही माहौल है, ऐसा तो नहीं है कि माहौल ये बोलने वाला अलग है और जो है वो अलग है? नहीं नहीं यही है, नहीं जो बातें आप बोल रहे हैं वही माहौल की बातें हैं वो अलग है। हम फसल छठो बताओ है ना रात दिन डांगरों से गौओं से यही है या अलग है? बस यही एक जवान को नौकरी मिल रही है 20-20 हजार रुपए की लाभ खर्चा कर रहा है, पाए खड़े करे तार लगाए हैं, रात को डांगर खा जाते हैं है? और उसकी जगह राजस्थान का बॉर्डर सील कर दो ताकि वहाँ के डांगर नहीं आवे। नौजवान है क्या नाम? बस भाई बस 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 चलिए ठीक है। वो देख इतना खराब रात किस सका ना, जमींदार रात का डोला दाने ले शराब नहीं लेती गौवा का, चलो डालने का आपा का कसूर हो सा भाई, आप दूध पीवा सतने पीवा फिर जेवड़ा काट दिया। हाँ। मेरा ये एक सवाल ये है कि जो बातें आप बोल रहे हैं वही माहौल है या फिर ये बोलने वाला अलग है और एक्चुअल में अलग है वास्तविक अलग है? नहीं यार सच्ची बात है निपला किला का में बाद रात हो रहा है, जो बता रहा है वही माहौल भाई, ये सच्चाई बयान कर रखी है, इसमें एक लफ्ज भी फर्क वाली बात नहीं है, झूठ वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव के लिए उसकी क्या हालत, लोगों के जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर के लोग वोट कर रहे हैं, और हमने लगातार एक ही बात जो है वो कुरेद करके निकालने की कोशिश की है कि क्या सच में जो माहौल की बात ये कर रहे हैं जमीन पर लोगों के बीच में वही माहौल है, अगर यही माहौल है तो इस बार जो नतीजे आएंगे वो हो सकता है कि चौंकाने वाले हों। इस वीडियो को लेकर के इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।